नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, माँ लक्ष्मी ने स्वयं एक वरदान दिया था कि अगर आप रोटी में ये चीज मिलाकर अगर रोटी बनाते हैं तो मैं स्वयं यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करेगी, आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण करेगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जिस घर में भी वास करती है, जिस घर में भी माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहती है, वो घर सदैव धन्य धान्य से परिपूर्ण रहता है। वहाँ दरिद्रता, कंगाली कभी नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ चीज़, कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे कुछ कृत्य ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें अनजाने में हमसे हो जाती हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमारे घर से चली जाती है। ऐसे में दरिद्रता, आर्थिक तंगी हम लोगों को घेर लेती है। तो दोस्तों, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसान सा उपाय है ये, आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हर चीज़ में आपको जिसमें भी परेशानियाँ अड़चने आती हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अलग अलग उपाय है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, ये उपाय, लेकिन जो अलग अलग उपाय होने के बावजूद भी ये सिर्फ आपको एक रोटी के साथ करना है। तो कैसे करना है आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको आर्थिक तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, आप परेशान रहते हैं, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको लॉस रहता है, तो ऐसे में आपको रोटी के साथ ये उपाय करना है। जब आटा लगाते हैं और पहली रोटी बनाने वाले होते हैं तो आपको धनिया लेना है, थोड़ा सा धनिया लेना है, क्योंकि धनिये को धन से जोड़कर देखा जाता है, वो शुभ माना जाता है। तो आपको थोड़ा सा धनिया लेना है, उसे अपने सर पे आपको घुमा लेना है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि नज़र उतारी जाती है वैसे आप घुमा लीजिए। और उसके बाद वो धनिया आपको पीस लेना है। पीसने के बाद जो पहली ही रोटी आप बनाते हैं उसमें वो धनिया डालकर बनाएं। और अब इस रोटी के दो भाग कीजिए, एक भाग अपने लिए रखिए और एक भाग आपको गौ माता को खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गौ माता के मुख में स्वयं लक्ष्मी माँ वास करती है, तो उनकी असीम कृपा होती है, लेकिन आपको वो गुड़ मिलाकर ही गौ माता को खिलाना है। ऐसा आपको 7 दिनों तक लगातार करना है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे फर्क आपको महसूस होने लगेगा, जितनी भी आर्थिक तंगी है वो दूर होने लगेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। वही अगला उपाय है, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं और जिनका विवाह आदि नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें रोटी बनाते वक्त ध्यान रखना है कि उन्हें रोटी जो है हल्दी में मिला के बनानी है, यानी कि रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए ताकि रोटी जो है वो पीली बने। तो उसके लिए आपको 7 रोटियां ऐसी बनानी है जो कि हल्दी मिला के आपको बनानी है 7 रोटियां, और ये आपको 4 दिन तक ये उपाय करना है, हर बृहस्पतिवार को, वीरवार को। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो है वो सीधे सीधे कनेक्टेड होती है विष्णु भगवान से, और वो कनेक्टेड होती है गुरु यानी कि आपके बृहस्पति से। जब आपका गुरु मजबूत होता है दोस्तों, तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता, परेशानी नहीं आती है। ये एक बुद्धि का परिचायक है, तो आपके घर में हर तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड, दिमागी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड चल रही होती है, वो सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो हर बृहस्पतिवार को आपको 7 रोटियां हल्दी वाली बनानी है और उन्हें प्लेट में रख के चारों तरफ से उनके बीच में आपको बैठना है, और उसके बाद आपको भगवान का स्मरण करना है, विष्णु भगवान का स्मरण करना है, और गुरुवार के दिन आपको ये करना है। उसके बाद आपको वो 7ों रोटियां आप अपने हथेली में लीजिए और भगवान को याद कीजिए, और उसके बाद आपको वो जो 7ों रोटियां हैं वो जाके किसी तालाब या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मछलियाँ, आप जैसा कि जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने स्वयं मछली का अवतार लिया था,
तो आपको जो वो रोटियां हैं टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मछलियों को खिलाना है। इससे क्या होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु की आप पर कृपा रहेगी और जिस घर में भगवान विष्णु का वास होगा तो लक्ष्मी जी तो वहां अवश्य ही आएंगी दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी ये परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला, अगर आप दोस्तों आपको किसी की नज़र लग जाए, नज़र लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसके चलते, कलेश होते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप रोटी बनाते हैं तो आपको आधी रोटी का एक हिस्सा पकाना है और एक हिस्सा कच्चा रखना है। जी हाँ दोस्तों, और जो हिस्सा आपने कच्चा रखा है उसे तोड़ ले, अलग कर ले, और उस 7 रोटियां आपको ऐसी बनानी है या 5 रोटियां भी आप बना सकते हैं, अलग कर लीजिए उसे कच्चे हिस्से को और उसमें सरसों का तेल लगा लीजिए और अपने सर से उसको एक बार घुमा लीजिए, अपने सर पे आप 2-4 बार उसे घुमा लीजिए, जिस प्रकार आप नज़र उतारते हैं ऐसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है। और अब इस कच्ची रोटी के टुकड़े को सरसों लगी हुई यानी कि तेल लगी हुई आप किसी भी सड़क के चौराहे पे या कहीं भी आप छोड़ के स्ट्रीट पे आ सकते हैं। इससे जो भी बुरी नज़र, निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी या जो भी आपको लगता है निगेटिव एनर्जी आप पे हावी हो रही है और वो आपको सही काम नहीं करने दे रही, वो सारा दूर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं रोटी से करने वाले अगले उपाय की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर व्यवसाय में आपको लॉस हो रहा है, व्यापार में आपको नया व्यापार शुरू करना है लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी महसूस हो रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो उसके लिए आपको रोटी के साथ ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, हथेली के बराबर 7 रोटियाँ आपको बनानी है और उसमें बारीक लौंग और इलायची पीस के डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लौंग और इलायची जो है वो निगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता को सोख लेते हैं और सकारात्मकता को लाते हैं, तो ये आपको उपाय करना है। और उसके बाद आपको एक जूट की रस्सी में ये जो 7 हथेली भर की रोटियां आपने बनाई है उसमें उसकी एक माला बना लेनी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद उसे किसी बरगद या पीपल के पेड़ पर आपको कहीं भी लटका के आना है, जिससे कि आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे वो रोटियां सूखने लगेंगी आपको दिखेगा आपके व्यवसाय में लाभ होगा। और अगर नया व्यवसाय आपने खोला है तो उसमें बहुत ज़्यादा आसमान की ऊंचाई को आप ज़रूर छुएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आसान से उपाय जो कि रोटी, सिर्फ केवल रोटी के साथ आपको करने हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी की असीम अपार कृपा आप पर बनी रहती है दोस्तों। इसमें कोई भी नुकसान किसी का भी आप नहीं कर रहे हैं, ये उपाय सिर्फ आपके अपने धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने वृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए है दोस्तों। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अन्य वीडियो के लिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।